नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शोभना पटनायक। आइए आपको सीधा ले चलते मऊ, जहां पर ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव महापंचायत कर रहे हैं। हमारे पास जो सूची है उस सूची में लगभग 50 गायकों का नाम है। मैं कुछ लोगों का नाम ले रहा हूं और इन लोगों का भी एक जोरदार स्वागत हो जाना चाहिए। श्री चंद किशोर पांडे जी, सुरेंद्र यादव जी, पारसनाथ यादव जी, मनोज सिंह जी, विजयलाल यादव जी, सियाराम यादव जी, श्रेया यादव जी, रामलाल यादव जी, हरिकेश यादव जी, छोटे लाल यादव जी, राम मूर्त यादव जी, भगवान यादव जी, अशोक यादव जी, राम कृपाल यादव जी, धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सोलंकी जी, वो भी होंगे। ये सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के समाजवादी साथ में 100 से अधिक गायकों का सूची है, वो बाद में मैं बढ़ाऊंगा। इन सभी गायक साथियों को मैं समय नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। कार्यकर्ता जवानों, मैं चाहता हूं कि इन सभी गायकों का एक कर दीजिए। निवेदन करूंगा पूरे मेल से राम जतन राजभर जी से कि आवे और अपने विचार को रखें। सम्मानित मंच, स्वागत करिए। और काबा योगी जी बेचारे, योगी जी महात्मा हुमन, अभी अन्ना पशु जोन मिलत रहना बुंदेलखंड में, आई बुंदेलखंड से अन्ना पशु बढ़ा के पूरे उत्तर प्रदेश में ला दिया। आज किसान डंडा लेके रात को अपनी फसल अगोर रहा है और ये चैन की नींद योगी सो रहा है। इस नाते ये किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं। एनपीके 265 रुपया बढ़ा दिया, डाई 50 किलो से 5 रुपया कम कर दिया और ये किसानों का धन दुगुना करने की बात करते हैं। घबराओ नहीं योगी जी, ये ओम प्रकाश राजभर है। अगर सत्ता पे बैठाना जानता हूं तो सत्ता से उतारने की भी हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। बोलो है कि नहीं? कितने लोग चाहते हो कि सत्ता से योगी को हटा दिया जाए? दोनों हाथ उठाओ जोर से और ताली बजा करके स्वागत करो। आप अच्छा ये बतावा, देखा हमार झगड़ा, हमारा झगड़ा भैया तई सुन मर दे, देखा हमार झगड़ा बहुत से लोग का तो नहीं, कहे बदे मंत्री पद छोड़ दलन। साथियों में रुपया कमाने लखनऊ नहीं गया था, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा देकर योगी और मोदी को बता दिया कि देखो ये समाज की लड़ाई लड़ने नेता निकला है, तेरी गुलामी 420 करने नहीं, तेरा जूता पॉलिश करने नहीं। ये पिछड़े समाज के नेता जितने भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, ये सब के सब लोडर हैं। ये योगी मोदी का जूता पॉलिश करते हैं, इनकी औकात नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण, पिछड़ों का लूटा गया। एक भी पिछड़े समाज के नेता जो भाजपा में हैं, उनकी जबान नहीं खुली। ओम प्रकाश राजभर जब बोला, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं कर सकते। तो आज तक टाइम आ गल, 19 साल आज हो गल, काली से भी समाज शुरू हो जाई ना। अब मन बना ला, हम लोग तय कैले है, हम लोग तय कैले है, हम लोगन का योजना बा कि जोन किसानन का 11 महीना से धरना देत हुवन, ये किसानन का बात सुनात ना आई लोग के, भारतीय जनता पार्टी के नेतन के ना सुनात हो, एनहने के लौकत ना बा, ई लोग के मोतियाबिंद भेल हो। तो 2022 के चुनाव में इनके लोगन के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करे के हो। बोला कितना दिन करबा न, और देखा आगे देखा भैया बैठल हुआ। हम चाहत थीला कि देखा हम आने का सोच बा, विचार बा कि हमारे तमाम पुलिस के साथी यहाँ हैं, ये भी कर्मचारी राज्य सरकार के हैं और वहीं सारे कर्मचारी हफ्ता में ड्यूटी करते हैं, एक दिन छुट्टी मिलती है,
लेकिन इनसे 18 घंटा 20 घंटा ड्यूटी ली जाती है और तनख्वाह इनको 8 घंटे की दी जाती है। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी इसको सुन लीजिएगा, जो 18 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले, 8 घंटा की तनख्वाह मिलती है, 8 घंटा 10 घंटा की तनख्वाह इन्हीं गरीबों से पीट करके वसूला जा रहा है। इसको रोकना है, बताओ रोकना है कि नहीं रोकना है? रोकना है। इसके लिए हम लोग तय करेंगे, यह पुलिस विभाग भी ड्यूटी 8 घंटा, हफ्ते में एक दिन छुट्टी, जो वेतन विसंगति है इसको दूर करना है। और दूसरा काम क्या करना है, बॉर्डर सीमा लगा है, बलिया का सिपाही बांदा में ड्यूटी करेगा, गाजीपुर का गाजियाबाद में, आजमगढ़ का आगरा में, अब बॉर्डर सीमा खत्म करके उनको अपने बगल के जिले में नियुक्ति देने का काम भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा करेगा। बताओ सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? कितने लोगों को यह सही लग रहा है? और अब आप आगे सुनो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी पूर्व रक्षा मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने चौकीदारों की तनख्वाह जब 1,500 था तो 2,500 कर दिया, 1,000 रुपया बढ़ा दिया। और पूरे प्रदेश के चौकीदारों का आह्वान करता हूं कि आज आपके बीच में भावी मुख्यमंत्री बैठे हैं, मन बना करके इनको मुख्यमंत्री बनाओ, तेरी तनख्वाह दुगुना कराने का प्रयास ओम प्रकाश राजभर करेगा। आपके सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। प्रदेश के चौकीदार भाइयों, पीआरडी के नौजवानों, पीआरडी के नौजवान हमारे होमगार्ड साथी, हमारे पुलिस विभाग के लोग एक साथ ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो वेतन विसंगति है इसको भी दूर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। साथी, हम लोगों ने मन बनाया है, हमारे कर्मचारी हमारे भावी मुख्यमंत्री भी कहा करते हैं कि अब हम लोग जो हमारे सरकारी कर्मचारी जिनकी पुरानी पेंशन की लड़ाई है 2022 में सरकार बनाओ, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाओ, मैं दावे के साथ कहता हूँ तेरा पुरानी पेंशन बहाल कराऊंगा। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, बोलो बहाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मन बनाओ, देखा खम्मा तो हिलबे करी, खम्मा तो हिलबे करी, जब ले हुरल न जाई सत्ता तब तक न मिली जब तक हम हमने मिल के लड़ल न जाई। बोला कितना जने लड़बा मिलके लड़बा न? अब भारतीय समाज पार्टी के नेताओं और समाजवादी पार्टी भागीदारी पार्टी राष्ट्र उदय पार्टी जनता उन्नत पार्टी भारत माता पार्टी के नेता समर्थक साथियों कान खोल के सुन लो, आज के बाद कल से भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू करेगी कि ओम प्रकाश राजभर 500 करोड़ में बिक गया, 1,000 करोड़ में बिक गया। उनसे बता देना कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तेरी नहीं तेरे दादा की औकात नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को कोई खरीद ले। बता देना उनसे, अगर ये मीडिया के माध्यम से, हमारे कुछ मीडिया के साथी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ओम प्रकाश राजभर को कोई अफवाह फैलाते हैं तो इनकी बात पर यकीन मत करना साथियों, ये बड़े धोखेबाज लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहना। कोई भी खबर आवे, कोई भी बात तेरे बीच में आती है, कभी मानने की कोशिश मत करना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस भीड़ में हाथ उठवा देता हूँ, बताओ साथी जिन लोगों ने अपना पैसा लगा के चंदा लगा के गाड़ी करके आए हो जरा हाथ उठाओ। ये देखो माननीय अखिलेश यादव जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री थे, आज वर्तमान मुख्यमंत्री हो, ये वो हमारी भीड़ है, अपना पैसा लगा करके आती है, ये योगी और मोदी की। हरीश यादव महापंचायत में पहुंचे हैं और आप ओम प्रकाश राजभर को सुन रहे थे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सत्ता पर बैठना बैठाना भी उन्हें आता है और उखाड़ना भी उन्हें आता है। तमाम आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं और उन्होंने कहा कि वो एक रुपया कमाने लखनऊ नहीं गए थे और अखिलेश की सरकार बनने के बाद गरीबों का फ्री इलाज हुआ है, गरीबों का भला हुआ है। छोटी पार्टी के नेता जो बीजेपी के साथ हैं सब लोटर हैं, सरकार ने खाद के दाम भी बढ़ा दिए थे,
ये तमाम आरोप जो है ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर लगाया और बीजेपी पर निशाना साध रहे थे ओम प्रकाश राजभर। तो बता दें कि पूर्वांचल के दौरे पर अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर पहुंचे, यहाँ पर महापंचायत में दोनों नेता पहुंचे हैं और महापंचायत में ओम प्रकाश राजभर को सुन रहे थे आप, और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अगर वे सरकार को सत्ता में बिठाना जानते हैं तो वहाँ से उखाड़ना भी जानते हैं। अखिलेश यादव को इस दौरान आपको बता दें चांदी का मुकुट भी भेंट किया गया था और महापंचायत में लोगों का हुजूम भी उमड़ा है। तो आपको बता दें अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर एक साथ मंच पर बैठे हुए थे और थोड़ी देर में ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे। तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।